इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीज़न के लिए लगभग सभी फ्रेंचाइजी टीमें यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच चुकी हैं। कोविड-19 महामारी के चलते इस साल आईपीएल यूएई में खेला जाना है। आईपीएल का आगाज 19 सितंबर से होना है, जबकि फाइनल मैच 10 नवंबर को खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम शुक्रवार को दुबई पहुंची, वहीं टीम अफ्रीका के 3 क्रिकेटर्स 22 अगस्त को टीम से जुड़ेंगे। एबी डिविलियर्स, क्रिस मॉरिस और डेल स्टेन भी दुबई पहुंच गए हैं। एबी डिविलियर्स ने दुबई पहुंचने के बाद कहा कि वो नए सीजन के लिए बहुत एक्साइटेड और आरसीबी फैमिली से इतने लंबे समय बाद मिलने को लेकर भी काफी उत्साहित है। आईपीएल इस साल 29 मार्च से खेला जाना था, लेकिन कोविड के चलते आईपीएल को स्थगित कर दिया गया। कप्तान विराट कोहली भी दुबई पहुंच चुके हैं। डिविलियर्स, स्टेन और मॉरिस साथ में ही दुबई पहुंचे। आरसीबी ने एबी डिविलियर्स, मॉरिस और डेल स्टेन का दुबई होटल पहुंचने का वीडियो शेयर किया है। दरअसल आपको बता दें, आरसीबी ने विराट की फोटो शेयर करते हुए लिखा, आप सभी लोग पूछ रहे थे ना, कैप्टन विराट कोहली पहुंच चुके हैं। विराट ने अपनी फोटो शेयर की तो उस पर टीम इंडिया और आरसीबी टीम में उनके साथी खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने कमेंट किया। चहल ने कमेंट में लिखा, एक ही होटल से हेलो भाई पड़ोसी चहल। इस कमेंट में विराट ने जवाब में लिखा, हा हा जल्द मैदान पर मिलेंगे। आपको बता दें, खिलाड़ियों को 6 दिन के लिए आइसोलेशन में रखना होगा। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।